अब आप सभी लोगों को पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार होगा। मैं भी बैठा हुआ हूँ, बस पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन आ जाए और मैं डाउनलोड कर दूँ जल्द से। अब पबजी मोबाइल इंडियन में काफ़ी सारी चीज़ें अलग होने वाली है, तो वही हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको काफ़ी सारे लीक्स बताने वाला हूँ और जो पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन में होने वाले, इसलिए वॉच द फुल वीडियो। बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आया है कि पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन में रेड ब्लड की जगह ग्रीन ब्लड लेगा। हाँ, ग्रीन ब्लड असल में तो नहीं होता, लेकिन पबजी एक गेम में कुछ भी हो सकता है। ये वाला फीचर पहले भी था ग्लोबल वर्जन में, मतलब हम लोग चूज कर सकते थे कि हम लोग को रेड ब्लड चाहिए या फिर ग्रीन ब्लड चाहिए, लेकिन इसमें इनबिल्ट ग्रीन ब्लड रहेगा, तो ये वाला काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है। और अब आप लोग मान लो कोई आपके ऊपर फायर कर रहा है या फिर आप किसी के ऊपर फायर कर रहे हो, जैसे कि अभी यहाँ पे निकला ग्रीन इफेक्ट निकला, यही वाला चीज़ पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन में भी होने वाला है। काफ़ी सारे लोग पबजी मोबाइल के गेम में 5-6 घंटा खेल लेते हैं और ये अच्छा नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए एक डिसएडवांटेज आ गया है कि पबजी मोबाइल में एक हेल्थ वार्निंग रहेगा कि मतलब हम लोग दिन में सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड तक ही खेल सकते हैं। ये वाला पबजी मोबाइल ग्लोबल में भी था, लेकिन अब पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन में भी ये वाला फीचर रहेगा, तो ये आप लोग के लिए सैड भी हो गया लेकिन आप लोग के लिए हेल्थ के लिए अच्छा हो गया। अब अगला मेजर पॉइंट जो आ रहा है, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल में दिखा रहे हैं कि हिंदी वॉइस चैट्स आ सकते हैं, मतलब अभी जैसे कोरियन वर्जन हम लोग खेलते हैं वो तो फॉर्म अपॉन मी, तो यही इस वाला सेम चीज़ कोरियन भाषा में भी रहेगा। तो हो सकता है कि पबजी मोबाइल इंडियन में भी तो जो फॉर्म अपॉन मी तो मेरे पास आ जाओ, ऐसे हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज कम है। लेकिन जब कोरियन वर्जन में हो सकते हैं तो इंडियन वर्जन में क्यों ना हो, तो मज़ा आ जाएगा एकदम। पबजी मोबाइल बैन होने के बाद ई स्पोर्ट्स तो पूरा एंड हो गया था, लेकिन पबजी मोबाइल के अब बोल रहे हैं कि ई स्पोर्ट्स एक्सक्लूसिवली इंडियंस के लिए आने वाला है और वो पहले जैसे होता था वैसे ही रहेगा बस, लेकिन ये सबसे लार्जेस्ट चीज मतलब ई स्पोर्ट्स के लिए रहेगा, एक पर्टिकुलर रिलीजन मतलब पर्टिकुलर जैसे इंडियन नेशनलिटी के लिए। काफ़ी सारे इंडियन क्रिएटर जो लोग नए नए ई स्पोर्ट्स में आए थे उन लोगों का करियर पूरा बेकार हो गया था, लेकिन अब वापस उसमें रोशनी आ सकते हैं। पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन के लिए स्पेशली एक नया वेबसाइट बनेगा, अभी तो उसमें सिर्फ कुछ लिंक्स प्रमोटेड है सोशल मीडिया का, और ये अभी ऐप अंडर डेवलपमेंट है और काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, तो ये एक अच्छी बात है कि इंडियन वर्जन के लिए एक अलग सा वेबसाइट बन रहा है। अब अगला न्यूज़ यह है कि पबजी मोबाइल लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ग्लोबल वर्जन से इंडियन वर्जन में अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसका एक फेक न्यूज़ भी आया था कि मतलब एक रिकॉर्डिंग था कि वहाँ पर एक ऑप्शन था मतलब ट्रांसफ़र अकाउंट, लेकिन वो फेक है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि हम लोग अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो अगर ये हो गया तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा, हम लोग का सारा पुराना चीज़ वापस हो सकता है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि पबजी मोबाइल का अगर ग्लोबल वर्जन हम लोग के लिए बैन है तो इंडियन वर्जन अगर खुल रहा है तो ये होना भी चाहिए, हो तो मज़ा आ जाएगा। अब अगला चीज़ जो कि शायद सबसे बड़ा मेन पॉइंट होने वाला है, हम लोग का डेटा ट्रांसफ़र। अब ग्लोबल वर्जन में क्या होता है, हम लोग का जितना भी गेम डेटा है फिर प्रोफाइल डेटा है वो सारा कोरिया या फिर कहीं पे जाके सेव होता है, लेकिन अब पबजी मोबाइल इंडियन में ऐसा कोई भी नहीं और हम लोग का डेटा कहीं भी लीक नहीं होगा, ये वाला पबजी वालों ने खुद गारंटी दी, और ऐसा होना भी चाहिए, हम लोग के लिए भी अच्छा है कि हम लोग का डाटा कहीं ट्रांसफ़र नहीं होगा। पबजी मोबाइल इंडिया में बैन क्यों हुआ, ये डाटा ट्रांसफ़र की वजह से, तो अगर ये वाला चीज़ होगा उन लोग ने तो गारंटी दे दिया होगा, ये वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉइंट है। वर्चुअल सिमुलेशन ट्रेनिंग ग्राउंड, हाँ ये वाला फीचर पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन में आ सकता है, ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। इसके मतलब कुछ भी लीक्स नहीं हुआ है कि ये मोड कैसे होने वाला है, लेकिन लग तो रहा है कि इससे हम लोग का गेम प्ले इम्प्रूव हो सकता है, ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लीक आया है। अब अगला चेंज ये होने वाला कि हम लोग जब भी गेम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है टेंसेंट गेम्स, लेकिन अब वो नहीं रहेगा, वहाँ पे रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर ऐसा कुछ, मतलब ये साफ साफ दिखा रहा है कि टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप खत्म हो गया और माइक्रोसॉफ्ट के साथ शुरू हो गया है। अब अगला पॉइंट ये आया है कि पबजी मोबाइल में जो दो कैरेक्टर मेल फीमेल, अब मतलब नॉर्मल में क्या रहता है बस एक पैंट शर्ट दे दिया हो गया, लेकिन इन लोगों का डिफॉल्ट ड्रेस सबसे ज़्यादा अलग होने वाला है, इस बार कुछ नया होने वाला है, ये वाला भी फीचर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अब अगला इशू जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा इशू है वो पिंग का प्रॉब्लम। अब ग्लोबल वर्जन में पिंग हम लोग का काफ़ी ज़्यादा हाई आता था क्योंकि पूरा ग्लोबली कितने सारे जन खेलते थे, अब इंडियन वर्जन में तो सिर्फ इंडियंस लोग ही खेलेंगे और भी लोग, लेकिन ग्लोबल से तो कम रहेगा, तो इससे पिंग शायद अब थोड़ा सा पहले से कम रहेगा और ये लो एंड डिवाइसेस में भी अब शायद चल जाना चाहिए।
तो यही थे कुछ पॉइंट जो कि लीक हुए, और भी क्रिएटर्स काफ़ी सारे और भी पॉइंट्स डाले, लेकिन यहाँ पे सारे नए पॉइंट्स थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और इससे आपका पबजी मोबाइल आने का खुशी और बढ़ गया हो। तो वीडियो में बंद करने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।